हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल लाइफ केयर मेडिसिन पर, और मैं हूँ आपका अपना डियरक सोनू फार्मेसी। हेलो दोस्तों दोस्तों आज की इस वीडियो में हम ऐसे कैप्सूल के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप एक कैप्सूल भी खा लेते हो तो आपके शरीर में जितनी भी सेक्स से रिलेटेड कमजोरी है, या मांसपेशियों में ताकत की कमी हो गई हो, या पुरुष में बोझपन की समस्या आ गई हो, या आपको थकान, चक्कर, या शरीर में किसी भी प्रकार की सेक्सुअल से रिलेटेड कमजोरी हो गई हो, तो इन सभी कमजोरी को दूर करने के लिए यह कैप्सूल बनाया गया है। अगर आप एक कैप्सूल डेली खा लेते हो तो आपकी ये सारी समस्या दूर हो जाती है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि इस कैप्सूल को कब लेना है, मेडिकल स्टोर पर किस नाम से मिल सकता है, और कितने रुपए का मिल सकता है, और इसके यूजेस के किस कैप्सूल को कौन कौन सी कंडीशन में यूज कर सकते हैं, और सबसे लास्ट में बात करेंगे हम डोज की, किस कैप्सूल को खाने का सही तरीका क्या है और सही बेस्ट टाइम क्या है। चलो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यह कैप्सूल जो कि हिमालय सिलजीत के नाम से आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगा, और यह कैप्सूल हिमालय कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, जिसके हम एमआरपी की बात करें तो 350 रुपये में 60 कैप्सूल आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर हिमालय सिलजीत के नाम से मिल जाएगा। अगर हम इस कैप्सूल के यूजेस की बात करें कि यह कैप्सूल कौन कौन सी कंडीशन में आप यूज कर सकते हो, तो जैसे पुरुष में बोझपन की समस्या, या फ्रैक्चर होने से आपके जो कमजोरी हो गई हो हड्डियों के अंदर, तो उनको ठीक करने में यह कैप्सूल उपयोग किया जाता है, या आपके मांसपेशियों की ताकत की कमी हो गई हो, और इम्प्रूव करता है सेक्सुअल स्टेमिना को। अगर आपके अंदर सेक्सुअल की कमी हो गई हो तो उनको दूर करने के लिए है हिमालय सिलजीत कैप्सूल उपयोग किया जाता है, और आपके अंदर एनर्जी को बढ़ाने का काम करेगा, और इससे अलग जैसे थकान, चक्कर, या शरीर में कमजोरी हो गई हो, चाहे सेक्स से रिलेटेड कमजोरी हो या किसी भी प्रकार की कमजोरी हो, तो उन कमजोरी को दूर करने के लिए यह है हिमालय सिलजीत कैप्सूल उपयोग किया जाता है। अब बात करते हैं इस कैप्सूल का डोज की, इस कैप्सूल को कब और कैसे लेना चाहिए, और इस कैप्सूल का खाने का सही का समय क्या है। तो आप सुबह खाली पेट हल्का गर्म पानी से एक कैप्सूल को खा सकते हो। ऐसे खाने से आपके शरीर में जो एसिडिटी या गैस बनती है वो यह कैप्सूल नहीं बनने देगा, और यह कैप्सूल आपको पूरा दिन गैस और एसिडिटी से बचाए रखेगा। तो दोस्तों अगर आपको हिमालय सिलजीत कैप्सूल की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।